सिंधु साहब ने आप लोगों को सुस्वागत। आप लोगों को पता होना चाहिए जो हम लोग FTV इंडिया आदरणीय प्रधानमंत्री का जो मेक इन इंडिया का जो स्लोगन था वो लेके यहाँ पे इनॉग्रेशन भी हो गया। ग्लोरी ग्लोब टीवी दिल्ली से इंडिया से इनॉग्रेशन हो गया। आज हमारा साथ जो नहीं हम नहीं बताएंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। ईश्वर ने सब कुछ दिया, पटियाला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ऑल ओवर इंडिया का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कोर्ट में आपका पास सब आता है। उसका जो करुण जो हर आदमी कोर्ट में आता है तो एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आपका सदा हर समय जो जो एक्सप्रेशन है किस तरह आप देखते हो आईन व्यवस्था। देखिए दो बातें हैं, दो तरह के लोग हैं हमारे समाज में। एक जो है समाधान का हिस्सा है और दूसरे लोग जो है वो समस्या का हिस्सा है। एक व्यक्ति समस्या पैदा करते हैं और एक सृष्टि में वो लोग हैं जो समस्या के समाधान के लिए काम करते हैं। और ईश्वर सबको ऊर्जा देता है क्योंकि समय से सब कुछ हो रहा है, समय के अंतर्गत हम लोग हैं और कार्य कर रहे हैं। तो हमारा जो गुरु है वो समय है और समय का जो सही मूल्यांकन करता है और समय के साथ जो न्याय करता है वही न्याय जो है न्याय संगत है और मैं उसी को न्याय मानता हूँ। समय पे न्याय मिले, जैसे भूखा है अभी आप भूखे हैं, पेट खाली है और अभी कोई आपको भोजन करा दे तो आपका शायद भूख मिट जाएगा, तो आपसे आशीर्वाद आएगा। और एक हम लिख लें कि हम भूखों को खाना बांटना है, फल देना है, वो भूखा है नहीं, आप फल बांटो खाना दो तो जितना आशीर्वाद मिलना था उससे कम मिलेगा। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये चीज़ सीखने की जरूरत है। जब पूरे देश में लोगों को ये लग रहा था कि सरकार की जितनी योजनाएं चलती हैं वो लूट ली जाती हैं, गरीबों तक नहीं पहुंचता, तो उन्होंने गरीबों तक योजना पहुंचाने के लिए जो पहली पहल करी और लोगों के जनधन खाते खुलवाए और उन्होंने गरीबों के बारे में तब सोचा जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। तो जब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ बबूल, तो वो बबूल बन के बड़े नहीं हुए, उन्होंने आम जनमानस के दिल को जीतने का काम किया। और इसीलिए आज नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है और आने वाले समय में जब तक उनका आयु रहेगा ये देश की जनता उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार। अरे वाह सर, एक बात कहना बहुत जरूरी समझता हूँ। G20 का प्रेसिडेंसी भारत अभी कर रहा है, आज 1 मार्च है, टुमारो 2 मार्च, दोनों दिन हमारा जो राइवल है चाइना का फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन, जो USA का सब आ रहा है, सब जय जय कर रहा है, सब बोल रहा है भाई एकमात्र मोदी जी है जो रशिया यूक्रेन जो जंग है वो खत्म कर सकता है। इस विषय में आपका टिप्पणी और आगे चलेंगे। होली है, भारत ऐसा देश है जो सनातन परंपरा को मानता है और सनातन परंपरा में सबके लिए जगह है, वो चाहे दुश्मन हो दोस्त हो, युद्ध नहीं होना चाहिए। और भारतीय कभी हिंसा के पुजारी रहे नहीं, हम सनातन लोग अहिंसा के पुजारी और हम चाहते हैं कि विश्व कल्याण की बात करते हैं, विश्व में सुख हो शांति हो। हमारे एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उसकी भी जो हम संस्कार करते हैं नामकरण संस्कार, उस संस्कार में भी हम कहते हैं कि ये विश्व के कल्याण के लिए बच्चा काम आए, ऐसी माँ जो है उसको आशीर्वाद देती है। तो ऐसा देश आज भारत के पास उन सभी लोगों के आशीष से बना एक प्रधानमंत्री जिसका नाम नरेंद्र मोदी और उसके पे सब पूरा देश का विश्वास करना। इन राष्ट्र के बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं वो चाहे मेरे मित्र राष्ट्र हो या मेरे दुश्मन राष्ट्र हो, जिन्होंने सबका दिल जीत लिया और दिल जीतने का नाम लोकतंत्र में राजा का काम है। अगर राजा दिल जीतने वाला होगा तो आपका लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इसलिए करोड़ों करोड़ भारतीयों का जो प्यार है वो यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिलता है। और ये जो शिखर सम्मेलन है और जो सम्मेलन की अगुवाई भारत कर रहा है, भारत ने एक ठाना है कि उसे विश्व गुरु बनना है। भारत ने ठाना है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हमें संस्कारवान बनना है। भारत ने ठाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि हमें अपने भारत को ऊंचाई पे लेके जाना है। वो सपना हम सब नौजवानों को दिया है क्योंकि हमारे साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी साहब वो ये थी कि हम लोग के पास हीरो नहीं था, गायब हो गया था। हम जब बच्चे थे आगे बढ़े, हमने इंदिरा जी को जरूर सुना, देखा नहीं होगा, राजीव जी को भी छोटे बच्चे से देखा, लेकिन भारत को जब नेता ढूंढना था तो ऐसे संक्रमण काल था कि भारत
का नेतृत्व कौन करे, ऐसा नेता भारत में नहीं था। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी ने स्वयं ये प्रूव किया भारतीयों के सामने कि मेरे में वो काबिलियत है, मैं इस देश का नेतृत्व कर सकता हूँ। और उन्होंने नेतृत्व करके ही नहीं दिखाया, भारतीयों के जीवन को सुधारा है, भारतीयों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाया है। बड़ी अच्छी बात मैं आपकी सुन रहा था कि आपको भी ऊर्जा यशस्वी प्रधानमंत्री से मिली कि हमें मेक इन इंडिया में कुछ अच्छा करना है। आपको पता है जो गहन विभाग में चिकित्सा करने के लिए वेंटिलेटर जिसका दाम 10 लाख 15-30 लाख का, आज एक एनसीआर गुरुग्राम दिल्ली में जिन्होंने बनाया 29 साल का एक युवा शिशपाल राज, उन्होंने मात्र 2.5 लाख में एक नया वेंटिलेटर बना के मेक इन इंडिया का एक सबूत रख दिया देश और विदेश का अंदर। क्या बोलिएगा, ये तो गौरव का क्षण है। और इसलिए भी गौरव का क्षण है कि हमारे पास प्रतिभा की कभी कमी रही नहीं, हम लोगों ने अपनी प्रतिभा देखी। बार बार लोग कहते हैं कि ये कैसा उत्थान हुआ बापू तेरे देश में, प्रतिभा करे पलायन जब भी अवसर मिले विदेश में। नरेंद्र मोदी जी ने तो इसको उलट दिया, कहा कि देखो ये अवसर है और इस अवसर को हमें भुनाना है, हम भारतीयों को भुनाना है। और अब भारत के लोग ब्रांड बन रहे हैं और ये ब्रांड बनना ही भारत की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ हमारा युवा पीढ़ी बनेगा। और मैं तो शुभकामना दूंगा हजारों करोड़ों जो युवा है जो सपना देखते हैं और आज उनको पर लगे हैं, वो अपने सपने को स्वयं पूरा कर सकते हैं, ऐसा भारत बने बन रहा है। तो इसकी प्रतिबद्धता होगी, इसकी दृढ़ संकल्प शक्ति होगी और इसमें साहस भी होगा सब कुछ कर गुजरने का, और वो साहस यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम भारतीयों को मिलता है। होली के लिए दो चार बातें, रंग बरसे जो बरसेगा, हमारे यहाँ जो हम तो मुलतः बिहार के रहने वाले तो बिहार में फगुआ गाया जाता है, फागुन में भौजी, फागुन में ऐसे फगुआ का गाना है, मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग जब थे तो उस समय ढोलक झाला और मजीरा लेके गीत गाए जाते थे बचपन में, वो थोड़ा गाना मेरे से भोजपुरी का रिलेटेड है। एक भी गाना थोड़ा गा दीजिए, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, प्लीज सर। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे होली है। कैमरा में रजनीश के साथ बी एन दस का रिपोर्ट, खबर 24 के साथ हमारा जितना भी 6 चैनल है चैनल के तरफ से आदरणीय जिन्होंने कानून को एक दूसरा पल्लू की तरह देख रहा है आपको सादर प्रणाम। होली आपको बहुत सुंदर करे, देश के लिए आपका माफिक आदमी का बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि छठी मैया की कृपा सब पे बनी रहे और आप सब लोग अपनी माँ बाप की पूजा करें और हमारा जो संस्कार है वो न भूलें। और होली हम सब लोग को प्रतिबद्ध करती है भाईचारे के लिए, एकता के लिए और प्रेम के लिए, तो ये तीनों का अर्पण हो। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके लिए हम लोग जितना एक आदर्श बेहतर कर सकते करें, और होली पे खूब गुजिया खाएं, मिठाई खाएं और डांस करें, और होली है।